सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आप लोगों के जल्दी लाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में हम लोग सारे कंप्यूटर्स के जितने भी आपके क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल हैं, आपको चाहे एयरफोर्स एग्जाम हो चाहे नेवी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। किसी किसी शिफ्ट में जाता है कि दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एक एक नंबर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि कंप्यूटर का सेक्शन अगर आप वैसे बहुत लोग स्किप करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, लेकिन मैं इसी वजह से आपको इस ये कंप्यूटर का सेक्शन करवा देता हूँ, क्योंकि आपको यहीं पे एज मिल जाती है दूसरे स्टूडेंट से। और क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं और कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊँगा और आप देखें कि इन्हीं में से आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का शुरू करते हैं। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और जो आपको मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूँ, हिस्ट्री की हुई, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, वो आपको मिल जाए उनके नोटिफिकेशन। और टेलीग्राम पे भी जुड़े रहना, क्योंकि वहाँ पर मैं PDFs वगैरह शेयर करता रहता हूँ। परमार नाम से है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अभी ये जो 100 क्वेश्चन है, ये शुरू करने से पहले 4-5 फैक्ट बताने वाला हूँ, और इन फैक्ट में से आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। किसी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, बहुत लोग के शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कौन से 4-5 फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए। पहला फैक्ट है कि 1 GB में आपको 1024 MB मिलता है। ठीक है, इसके बराबर होता है 1 GB 1024 MB के बराबर। अभी आपको ऑप्शंस में कैसे देगा 1000 MB, तो 1000 MB नहीं होता, 1024 MB होता है। ऐसे ही 1 MB में आपको 1 MB में 1024 KB देखने को मिलेंगे, और 1 KB में 1024 बाइट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए एक नया क्वेश्चन किसी न किसी के शिफ्ट में आएगा ज़रूर। इससे 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, और 1 KB में 1024 बाइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों के नेवी एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा गया था, नेवी में भी और एयरफोर्स में, कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। 1 बाइट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, और मैं पिछले वाले जो वीडियो है उसका भी आंसर दे देता हूँ, जो मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करवाया था, कि उसमें पुलिस हैज़ था, उसमें करेक्ट इनकरेक्ट, तो उसमें हैज़ की जगह हैव होगा, क्योंकि पुलिस जो है प्लूरल होता है। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस, सभी के यहाँ पर आंसर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, ये कहते हैं CPU को। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ताकि पूरे जो 100 क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में आ सकें, नहीं तो फिर मेरे को दूसरी वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो इसका आंसर सी होगा पहले का। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो बग होता है एक एरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। आपने सुना भी होगा कि बग आ गया कंप्यूटर में, तो बग का मतलब एरर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ये देता है मॉडम। ठीक है, आपने यूज़ किया होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में मॉडम को, अभी तो क्योंकि बहुत स्मार्टफोन्स का ज़माना आ गया, लेकिन अगर आप ने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में कभी काम किया होगा, तो अपने मॉडम का यूज़ ज़रूर किया होगा, जिससे कि हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो ये है ENIAC। और जहाँ पर देखिए, जो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर बताता जाऊँगा। तो जैसे 4th क्वेश्चन है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर रखा इस वजह से मैंने, ताकि आप लोग के माइंड में रहे, अगर आ गया तो आप लोग कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर, कि WWW का सही रूप क्या है। तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन, CPU का क्या अर्थ है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो ये बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर होता है पेंटियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। अब ये देखा हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब इसके आविष्कारक तथा संस्थापक का नाम पूछा है, जो कि हैं टिम बर्नर्स ली। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे मैं बात करूँ एयरफोर्स की, चाहे बात करूँ नेवी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9th, कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो ये प्रकाश भंडारण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, के पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, उसमें था वॉल्व। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 11th नंबर है, अनुपम क्या है। तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम।
फिर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था, यानी विच यूनिवर्सिटी डेवलप्ड द परम सुपर कंप्यूटर। सीडैक, आईआईटी कानपुर, बीएआरसी या फिर आईआईटी दिल्ली। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीडैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये अभी मैंने बताया था आपको, ये है बी, बाइट। ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई। और मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ये है अनुपम। अभी हम लोगों ने देखा था अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है और ये भाभा के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। ये अभी अभी मैंने पूछा था तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th नंबर कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो ये स्पैम जाहिर सी बात है कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम फोल्डर भी आपने अगर पता हो आपको तो आपके जो ईमेल होता है उसमें स्पैम फोल्डर एक आपको देखने को मिलता है ना। तो अगला क्वेश्चन है 17th नंबर, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट क्या है। तो डेटा के प्रेषण को नापने के लिए ये होती है बिट प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंट्रैक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19th नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्फोसिस, TCS, विप्रो या फिर HCL टेक। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, TCS, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो ये अटक जाता है रैम में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। तो इसकी स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। अब आपको बताना है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और देखिए जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर ज़रूर दिया करिए सभी लोग, मतलब बहुत से लोग देते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग और 90% लोग सही आंसर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 10% गलत देते हैं तो क्यों देते हैं, कम से कम वो ट्राई तो करते हैं ना। तो जो नहीं ट्राई करते हैं उससे वो तो बहुत सही है, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया, उनको अपनी गलती पता चली और वो गलती वो दोबारा अगर पेपर में आ गया हुआ क्वेश्चन तो कभी नहीं करेंगे गलती। लेकिन जो लोग आंसर ही नहीं करेंगे वो उनके गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे कमेंट में ये पूछता रहता हूँ क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है 22nd नंबर कि निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। ये नहीं है प्रकाशित लक्षण अभिगत। अगला क्वेश्चन 23rd नंबर की पहली कंप्यूटर भाषा कौन से विकसित की गई थी, कोबल, बेसिक, फोर्ट्रान या फिर पास्कल। आंसर ऑप्शन नंबर फोर्ट्रान। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं। आईसी का मतलब पता होना चाहिए, ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन एक तरह का क्या है, सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। ठीक है, या फिर आप मेटलॉइड बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। तो ये नहीं, इसमें गैस प्लाज्मा, गैस प्लाज्मा CRT का हिस्सा नहीं, और जितने बाकी हैं वो CRT का हिस्सा हैं। ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए CRT होता क्या है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये अगर जो लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे उनको पता होगा, ये एक मॉडर्न फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है। जो एक्सरे आप चैप्टर पढ़ते हो उसमें आपको एक कैथोड रे ट्यूब देखने को मिलती है, और इसको आपको कंप्यूटर में भी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसका गैस प्लाज्मा हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है। ये प्रयुक्त होता है अर्धचालक लेज़र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज या फिर मार्कोनी। देखिए बिल क्लिंटन तो ये राष्ट्रपति थे US के, तो उनका कुछ लेना देना नहीं है टेक्नोलॉजी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। बिल गेट्स आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28th नंबर कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु उपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, समकालित परिपथ चिप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। ये आप क्वेश्चन नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं करने मैं बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप कम से कम पढ़ें और वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि मैंने ये पूरा एनालाइज करके बनाया ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके इससे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियाँ प्रदर्शित करता है। ये प्रदर्शित करता है बग।
अभी हम लोगों ने देखा था बग क्या है, एरर है, ठीक है। तो त्रुटियाँ भी एक तरह का मतलब क्या होता है, एरर का हिंदी कन्वर्जन है त्रुटियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, यंत्र सामग्री इसमें से कौन सी नहीं, ये पूछा है। तो जो आपका प्रचालन तंत्र है वो एक यंत्र सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। फिर अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखो, तो अभी हम लोगों ने कर चुके हैं कि आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है, अभी देखा था सिलिकन से, और सिलिकन क्या एक तरह का सेमीकंडक्टर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त यानी इनपुट डिवाइस क्या है, तो ये है माउस, ठीक है। माउस आप जानते हो कंप्यूटर में, जिसको कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि एमबी, ठीक है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है, ये किसके लिए, ये मेगाबाइट के लिए इसका फुल फॉर्म होता है, मेगाबाइट्स, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं, ठीक है, 1024। अगला क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली ने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, ये क्वेश्चन आपको स्किप करना है, नहीं करना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था किसने, ऑप्शन है आपके मार्कोनी, LMM ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, और इसका सही आंसर है जॉन विंसेंट एटनसोफ, ठीक है, जॉन विंसेंट, बस आप इतना याद रख लिए, जॉन विंसेंट ने किया था बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो ये होते हैं 10,48,576। अभी याद कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक मेगाबाइट में कितने 1024 किलोबाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे किलोबाइट नहीं पूछा, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है ना, यहाँ पर आपसे पूछा है एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आपको पता है एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, और एक किलोबाइट में 1024 क्या बाइट्स होते हैं, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये आपको डेटा मिलेगा 10,48,576। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है, तो ये होता है 64 बिट तक, ठीक है, परास रेंज कितना होता है 64 बिट तक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो क्या नष्ट करते हैं, प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं जो वायरस होते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है मॉडम, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो हार्डवेयर, आपको पता होगा हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसको हम एक तरह से इनटैंजिबल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हार्डवेयर एक तरह का टैंजिबल चीज़ है, और सॉफ्टवेयर जो इनटैंजिबल है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर डेटा, ना आप तो डेटा को ना तो छू सकते हो, ना तो देख सकते हो, और ना ही सॉफ्टवेयर को, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम को, लेकिन आप हार्डवेयर को छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, सब कुछ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो ये है प्रिंटर का एक प्रकार है डॉट मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से नहीं करना है आपको, क्योंकि पता भी है कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन नहीं आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, तो ये कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कॉम्पोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं, वही अभी हम लोगों ने देखा था, ये CPU, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, फिर स्टोरेज है, तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है आउटपुट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको प्लीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कंप्यूटर प्रिंटर जो है एक आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी में को क्या कहते हैं, बिल्ट परमानेंट मेमोरी को, तो ये इसको बोलते हैं ROM। अभी मैंने फुल फॉर्म क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पर इसका फुल फॉर्म पूछा था, जैसे RAM यानी कि RAM होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वैसे ही ROM का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती हैं, अभी अभी देखा हम लोगों ने सिलिकन। अगला, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर जावा नहीं, हार्डवेयर प्रोसेसर चिप जिस सिलिकन की बनी होती है वो हार्डवेयर है, प्रिंटर, माउस,
लेकिन जावा नहीं। अभी मैंने बताया था आपको कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है। हार्डवेयर को आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को ना देख सकते हो ना छू सकते हो। तो चिप होती है, प्रिंटर होती है, माउस होते हो, सबको आप छू देख सकते हो लेकिन जावा को नहीं। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया सकता, जिसको लैन बोलते हैं ना इंग्लिश में, लोकल एरिया नेटवर्क, उसको किसका प्रयोग नहीं किया सकता, मॉडम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ये 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें यूज़ होता है आपका फुल ड्यूप्लेक्स, ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, तभी इनका नाम पड़ा है माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, माइक्रो हो जाएगा बड़े लेवल पे। ठीक है, छोटे और सस्ते। अगला क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। अभी हम लोगों ने देखा मॉडम, जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है, सिंपल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। ये है उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि जितना भी तीनों दिए, प्रोटोकॉल, लॉगिंग या फिर आर्ची, तीनों यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, जैसे गूगल सर्च इंजन है, ऑर्कोटेक सर्च इंजन है। तो इसमें से जो साइंस डायरेक्ट है वो सर्च इंजन नहीं है, गूगल, ऑर्किड और एल्टा विस्टा। तो मोस्ट ऑफ द लोग आप में से गूगल यूज़ करते होंगे कुछ भी सर्च करने के लिए, वैसे एक ऑर्कुट भी होता है और एल्टा विस्टा भी होता है, लेकिन साइंस डायरेक्ट नाम का कोई भी सर्च इंजन नहीं होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क किसका जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। ये किया था वैन का, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब जाहिर सी बात है कि बड़ी संस्थाओं द्वारा यूज़ किया जाएगा राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में, तो कुछ बड़ा ही होगा ना। LAN का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल, कम जगह में। ठीक है ना, और इसका एकदम ऑपोजिट बोल सकते हो, लैन का ऑपोजिट होता है वैन। लैन सबसे छोटी जगह में होता है और वैन सबसे बड़ी बड़ी जगहों में, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर जो है इंप्यूटिंग का, प्रोसेसिंग का, कंट्रोलिंग का, सबका काम करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर एक ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, और ना ही कंप्यूटर एक तरह का रोबोट है। तो वो अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो उसमें आप जो भी फीड करोगे उसके हिसाब से डेटा इनपुट करके वो रिजल्ट्स देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अभी मैंने बताया हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर से अलग कैसे होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो इंटरनेट संबंधी पद नहीं है प्रिंटर, ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन सब इंटरनेट से रिलेटेड हैं, लेकिन प्रिंटर का इंटरनेट से कोई रिलेशन नहीं है। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो कीबोर्ड एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। ठीक है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है आपसे पूछा है। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन है पूछा है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, एक निबल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो एक निबल होता है 4 बीटों के बराबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो यह सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं वार्म बटिंग। ठीक है, वार्म बटिंग बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। यूनिट का भाग है यहाँ पर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इसके आप देखो अगर यू का मतलब क्या यहाँ पर होता है, यूनिट, यूनिट ही तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जाहिर सी बात है यूनिट का भाग CPU होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अगर आप देखो तो हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो ये है डाउनलोडिंग, इसको बोलते हैं। अगला है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं। तो ये होती हैं डेटा प्रविष्ट में त्रुटि, यानी डेटा एंटरिंग में जब आप कुछ एरर कर देते हो उसकी वजह से ये आपको ज़्यादातर त्रुटियां देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है।
अब ये क्वेश्चन करने से पहले आप सिंपल आप बोल खुद से ये पूछ सकते हो कि आपके मानव शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, आप खुद ही इससे पूछिए तो आप क्या बोलोगे, माइंड है, ठीक है ना। आपके पूरे शरीर में सबसे एक महत्वपूर्ण भाग अगर आपसे पूछा है तो क्या है, दिमाग ही तो है। और कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, CPU, ठीक है ना। अगला है 1024 बाइट किसके बराबर है, तो ये है 1 किलोबाइट के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, क्या लागू होती है, मशीनी भाषा, यानी कि कंप्यूटराइज लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। अगला है 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं किसके बराबर, आपसे उल्टा भी पूछा सकता है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं, फिर 1024 बाइट जो हैं किसके बराबर होती हैं, ठीक है। तो 10 लाख बाइट आपको देखने को मिलेंगी 1 मेगाबाइट में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था, ये हुआ था डी पुणे में, किसके द्वारा किया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है, ये है सॉफ्टवेयर, ठीक है, विंडो एक सॉफ्टवेयर है। और अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रिंटर है वो आउटपुट, अभी मैंने बताया था आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर इनपुट के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है CDs का आकार कैसा होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गोल होता है, CD आपने देखी होगी, ठीक है ना, ऐसी होती CD, मतलब ऐसी तो नहीं होती, एग्जैक्ट गोल होती है वो, है ना। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है DTP का पूरा रूप क्या है, DTP का फुल फॉर्म पूछा है, ये होता है डेस्क टॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन है DOS का पूर्ण रूप क्या है, अभी फुल फॉर्म्स बहुत आते हैं आपके कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें फुल फॉर्म, जैसे WWW का पूछ लिया, CPU का पूछ लिया, DTP का पूछ लिया, DOS का पूछ लिया, JDBC का पूछ लिया, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर DOS का होता है फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर C में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है JDBC इसका सूचक किसका, तो ये होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैन किसका लघु रूप है, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क का भी देखा। कंप्यूटर संक्षिप्तकार KB का सामान्यता पूर्ण रूप क्या है, तो ये है किलोबाइट, ठीक है, मतलब KB का फुल फॉर्म पूछे आपसे। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है प्रोग्राम फॉर्म में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पहला ग्राफिक यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, ये बनाया था जेरोक्स कंपनी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका उदाहरण है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, आप यहीं से देख सकते हो सॉफ्ट वर्ड, सॉफ्ट से सॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर, और किसने बनाया था माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने। अगला है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी कब हुई थी, ये नहीं पूछेगा आपसे, डेट वगैरह ये जो ईयर्स होते हैं ये आपके नहीं एग्जाम में नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है किसका है, ये है वेब ब्लॉग का, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, अभी मैंने बताया था सॉफ्टवेयर का कोई छू नहीं सकता, और जितने हार्डवेयर हैं प्रिंटर हैं माउस सब कुछ छू सकता है, और जो प्रिंटर और माउस हैं वो हार्डवेयर के एक प्रकार हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, इंटीग्रेटेड चिप किसकी परत होती है, तो अभी बताया सिलिकॉन की। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है द्विआधारी अंक पद्धति का। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो ये किया जाता है कोबोल का, ठीक है ना। और हम लोगों ने देखा फोर्ट्रेन जो था सबसे पहला कंप्यूटर भाषा था, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट्रेन अलगोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, किसको, बेसिक, ठीक है ना। अगला है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई, ये लगाई गई नई दिल्ली में। अगला है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है ये सभी, यानी कि पेस मेकर, ये पेज नहीं होगा ये पेस मेकर होगा, ठीक है ना, वर्ड स्टार और MS वर्ड। तो ये थे हम लोग कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस।
आप इनसे बाहर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके सभी को बता दिया है जिनमें एक्सप्लेनेशन चाहिए था। अब यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा, और सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को प्रेस रखें। टेलीग्राम चैनल पर हमारे नाम से, वहाँ पर जुड़े रहें PDFs के लिए। धन्यवाद।